एवरीवन, वेलकम टू आर्टिस्टिक लाइफ विद पीहू प्रीति। सब लोगों के नवरात्रि की सफाई शुरू हो गई है और मेरा अभी कुछ भी शुरू नहीं हुआ है क्योंकि मैं काफी बिजी थी। और अब मैं सोच रही हूँ कि अपनी नवरात्रि की सफाई शुरू करूँ, तो जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में 3-4 महीने तो जम के बारिश होती है, तो मैं अपनी बालकनी को ना 3-4 महीने बिल्कुल छूती ही नहीं हूँ, देखती भी नहीं हूँ, तो मेरी बालकनी की बैंड बच जाती है। तो नवरात्रि की जो सफाई है ना, वो मैं सबसे पहले शुरू करने वाली हूँ मेरी बालकनी से। आप लोगों को पहले मैं अपनी बालकनी की प्रेजेंट कंडीशन दिखा देती हूँ कि कितने बुरे हाल में है, उसके बाद मैं बालकनी का सफाई करूंगी। और मैं आज के वीडियो में ये भी दिखाऊंगी कि आप अपने पौधों की केयर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अपने पौधों में डाल करके उनको हेल्दी बना सकते हैं। मेरे भी कुछ कुछ पौधे खराब हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जो सारे ही ट्रिक मेरे काम आते हैं, बट 90% जो चीज़ें मैं अपने पौधों में करती हूँ वो काम आते ही हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आज वन बाई वन आपको मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में मेकओवर तो है ही। तो चलिए पहले मैं आपको अपना बालकनी दिखाती हूँ कि कितना खराब हुआ है। तो ये है मेरी बालकनी, तो ये देखिए अभी बालकनी का कितना बुरा हाल है। सारे पत्थर वगैरह सब कुछ सब हटा दिए हैं, तो अब पानी यहाँ पर बरसना बंद हो चुका है ऑलमोस्ट, तो अब हम लोग अपनी बालकनी को एक नया रूप दे सकते हैं। कभी कभी समझ में नहीं आता है कि शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले करती हूँ जो फालतू चीजें हैं वो निकाल के फेंकती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। जब से मॉनसून स्टार्ट हुआ था मैंने बालकनी की तरफ देखना बिल्कुल बंद कर दिया था, तो बहुत सी चीज़ें यहाँ अनवांटेड इकट्ठा हो गई हैं, तो एक एक करके मैं निकालती हूँ। और नवरात्रि आ रही है तो मैं कोशिश करूँगी कि 15 तारीख से पहले पूरे घर की मैं क्लीनिंग कर लूँ। जितने भी पेबल्स थे वो सब ऐसे ही फ्लोर पे पड़े हुए थे, तो इन सब को मैं बाथरूम में लेकर के जाऊँगी और अच्छे से धुलूँगी पहले। मेकओवर से पहले मैं सारे पौधों को अच्छे से गुड़ाई करूंगी और उसके अंदर मैं खाद डालूंगी। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वर्मी कंपोस्ट और इसको मैं सारे पौधे के अंदर डालने वाली हूँ। आप लोग चाहते हैं कि अगर आपके पौधे अच्छे से ग्रो करें तो बीच बीच में अपने पौधों को इस तरीके के कंपोस्ट देते रहिए। तो उसके लिए करना क्या होगा, आप पौधों को लीजिए और बिल्कुल उसके गमले के अंदर किसी नाइफ से या खुरपी से आप किनारे से कुड़ाई स्टार्ट कीजिए, सेंटर से मत कीजिएगा अदरवाइज उसकी जड़ें कट जाएंगी। किनारे से कुड़ाई स्टार्ट कीजिए, जो मिट्टी बैठ जाती है वो बिल्कुल खुल जाए और उसके बाद आप उसके अंदर कंपोस्ट डाल दीजिए, फिर पानी डाल दीजिए। इससे क्या होता है, पौधों को ऑक्सीजन भी मिलती है और उनको खाद मिल जाता है, जिससे उनका ग्रो भी अच्छा होता है। तो हर 2 महीने या 3 महीने में अपने पौधों की कोड़ाई ज़रूर करते रहिए, इससे उनकी जड़ों में ऑक्सीजन जाता है और काफ़ी अच्छे से पौधे ग्रो करते हैं। ये मेरा मनी प्लांट है जो कि काफ़ी बढ़ गया है, तो अभी मैं इसकी सारी कटिंग निकालूंगी। इस कटिंग को मैं क्या करूंगी ये भी आप देखिएगा, वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं एक मनी प्लांट से 200-2500 मनी प्लांट तैयार कर लेती हूँ, उनकी सारी कटिंग को मैं पानी में रख देती हूँ और कुछ समय बाद उसके अंदर रूट्स आ जाते हैं तो उनको मैं दूसरे गमले में लगा देती हूँ। तो इस तरीके से आप कटिंग को फेंकिए मत, उसको यूज़ कीजिए। तो अब बारी है अच्छे से सारे बालकनी को क्लीन करने का, तो ये कूड़ा वूड़ा सब हटा दिया है मैंने और सारे गमलों को उठा करके मैं घर के अंदर रख रही हूँ ताकि हम बालकनी की अच्छे से सफाई कर सकें। ये सारे प्लैंक्स को मैं अच्छे से धुल के फिर से लगाऊंगी। और ये देखिए मेरा लिविंग रूम पूरा पौधों से भर गया है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं पूरे बालकनी के जाले निकाल रही हूँ, काफ़ी जाले वगैरह इसमें लग गए हैं। फ्लोर पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि वो अच्छे से फूल जाए, जो भी इसके में जो गंदगी वगैरह लगी हुई थी। और तब तक मैं पूरी रेलिंग को अच्छे से साफ कर ले रही हूँ गीले कपड़े से।
बालकनी के फ्लोर को साफ करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये एक लिक्विड। ये बहुत अच्छे से टाइल्स और फ्लोर को क्लीन करता है। इसको डाइल्यूट करके यूज़ करना चाहिए, लेकिन मेरी बालकनी बहुत ज़्यादा गंदी है तो मैंने इसको डायरेक्ट इसके पे डाल दिया है। 15 मिनट इसको छोड़ना है और फिर इसको अच्छे से क्लीन कर देना है। ध्यान रखिए अपने हाथों में आप ग्लव्स पहन लीजिएगा या फिर कोई हैंडल वाले ब्रश से इसको क्लीन कीजिएगा। तो बालकनी तो मैंने अच्छे से धुल दिया है और उसको सूखने के लिए छोड़ दिया है। तब तक मैं सारे गमलों को एक गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि खाद डालते समय ये गमले गंदे हो गए थे मेरे। बहुत से हमारे गमले थे जो कि काफ़ी ख़राब हो गए थे, तो मैंने और पीहू ने मिलकर सोचा कि क्यों ना इनको एक नया लुक दे दिया जाए। तो चूँकि फेस्टिवल आ रहा है तो हमने इस बार अलग तरीके से इन पॉट को सोचा है डेकोरेट करने के लिए। तो सारे गमले हमने पेंट कर दिए हैं, अब इनको बारी है डेकोरेट करने की। तो इसके ऊपर मैं बना रही हूँ एक बहुत ही अच्छा सा पैटर्न, और यहाँ पर मैंने लिया है एयर ड्राई क्ले, उससे हम लोग एक नॉर्मल सा पैटर्न बना रहे हैं। और उसके बाद हम लोग इसके अंदर लगाएंगे कुछ खूबसूरत से क्राफ्ट मिरर। चूँकि फेस्टिवल आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि क्यों ना ये कुछ मिरर वगैरह लगा करके इन पॉट को थोड़ा सा फैंसी लुक दे दिया जाए। तो कलर कर दिया है, मिरर वगैरह लगा दिया है, रैंडमली ऐसे ही डिज़ाइन बनाया है, बट देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने क्ले यूज़ किया है पॉट डेकोरेशन के लिए। आप चाहें तो नॉर्मल पेंट करके उसके ऊपर छोटे छोटे क्राफ्ट मिरर्स लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। हम घर पर ही अपने सारे पुराने गमलों को नया लुक दे सकते हैं, और समय समय पर देते रहना चाहिए, क्योंकि आपकी बालकनी भी खूबसूरत दिखनी चाहिए। और बालकनी खूबसूरत दिखने के लिए ज़रूरी है कि आप जो पॉट यूज़ कर रहे हैं वो सुंदर हो। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे सेरेमिक पॉट ही लेकर के आए, आप सस्ते पॉट भी ला सकती हैं और उनको इस तरीके से आप डेकोरेट कर सकती हैं। और ये देखिए कितने खूबसूरत कलरफुल पॉट्स हमारे बन के तैयार हो गए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा टिप बता रही हूँ कि आप अपने पौधों की ग्रोथ को कैसे अच्छा बना सकती हैं। अगर आपके फ्लावरी प्लांट हैं उनको, या फिर क्रोटोन वगैरह जो लीफी प्लांट हैं उनकी ग्रोथ आप कैसे अच्छी कर सकती हैं, तो आप ना उनके अंदर फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मार्केट में आता है या किसी भी नर्सरी शॉप से आप ला सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन लिया है। तो 1 लीटर पानी में आपको इसको डालना है एक ढक्कन, और अच्छे से शेक करना है, और सारे पौधों के ऊपर आपको छिड़कना है। और ध्यान रखिएगा सॉयल में नहीं डालना है, यानी कि मिट्टी में नहीं डालना है, सिर्फ पौधों के ऊपर डालना है, उनकी पत्तियों में। इसके अलावा आप क्या कर सकती हैं, जो प्याज के छिलके होते हैं इनको आप इकट्ठा करते जाइए, एक बाउल के अंदर पानी लीजिए और उसके अंदर आप रोज़ के छिलके डालिए, और 3 दिन बाद इन सारे छिलकों को अच्छे से मसल के स्ट्रेन कर लीजिए और इसमें अलग से वाटर ऐड करके इसको डाइल्यूट कर लीजिए। ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है जिसको अगर आप अपने पौधों में डालेंगी ना तो आपके पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और मैं हमेशा अपने पौधों में प्याज के छिलकों का पानी डालती हूँ, जिससे मेरे पौधे बहुत ही हेल्दी रहते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। अब मेकओवर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ग्रास मैट लगा देती हूँ। मेरे पास ये कुछ वाइट स्टोन थे, ये मैंने मॉनसून का जब मेकओवर किया था बालकनी वाला, आप लोगों ने देखा होगा, तभी मैंने लिया था ऑनलाइन, मैंने इसको परचेस किया था। तो इन वाइट स्टोन को मैं दोनों साइड में अपने बालकनी के लगाने वाली हूँ, यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों साइड में मैं इससे एक बॉर्डर बनाने वाली हूँ। ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत दिखता है बालकनी में इन स्टोन की वजह से। यहाँ पर मैं ये एक प्लैंक लगा रही हूँ जिसके ऊपर मैं अपने सारे छोटे पौधे रखने वाली हूँ। अभी इन प्लैंक्स को मैं यहाँ पर लगा रही हूँ और इसके ऊपर मैं रखूँगी वो सारे पॉट जो मैंने DIY किए हैं आज, ताकि ये बहुत ही खूबसूरत सा एक फेस्टिवल वाला यहाँ पर लुक आ जाए। और ये देखिए मैंने सारे पॉट को यहाँ पर लगा दिया है और बहुत ही चमकदार दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। बड़े पौधों को मैं नीचे की साइड में लगा रही हूँ।
बालकनी आपके घर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो उसको भी आप बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करके रखें। अपने पौधों को समय समय पर खाद दें, उनकी कटिंग करें, ट्रिमिंग करें, और अगर कुछ पौधे ख़राब हो रहे हैं तो उनको रिप्लेस करके नए पौधे लगा कर रखें। इससे आपका घर बहुत खूबसूरत दिखता है, ग्रीनरी आपके घर को बहुत ही पॉजिटिविटी देती है, आँखों को भी अच्छा लगता है, प्लस आपका एक कोजी कॉर्नर बन के रेडी हो जाता है जहाँ पर आप टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बालकनी का डेकोरेशन जरूर करना चाहिए। ये कुछ और पेबल्स मेरे पास बचे हुए हैं जिनको मैं पूरा एक लाइन से लगा रही हूं, तो एक पूरा हमारा बॉर्डर बनके रेडी हो जाएगा इन व्हाइट स्टोन से। इधर की वॉल को डेकोरेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये एक्रेलिक शीट। आप अगर आपने मेरा लिविंग रूम मेकओवर वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने इन शीट्स को लगाया था, उन्हीं को मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वहाँ से निकाल करके, क्योंकि मैं बहुत जल्द अपने लिविंग रूम का मेकओवर करने वाली हूँ, तो इन शीट को मैं फेंकना नहीं चाहती थी, इसलिए इनको मैंने अपनी बालकनी में लगाया है। और इससे मेरी बालकनी थोड़ी सी बड़ी भी दिख रही है क्योंकि सामने वाली वॉल का रिफ्लेक्शन इसमें दिखता है। ऊपर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ये एक आर्टिफिशियल लड़ियाँ जिसके अंदर मैं मनी प्लांट का आर्टिफिशियल जो क्रीपर आता है उसको हैंग कर रही हूँ। तो इस साइड की वॉल को इस एक्रेलिक शीट से मैंने डेकोरेट किया है, कैसा लग रहा है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अब चलिए छोटी छोटी और डेकोरेशन हमारी बाकी है उसको भी कर देते हैं। तो ये यहाँ पर मैं लगा रही हूँ कुछ बटरफ्लाइज, बालकनी में बटरफ्लाई दिखे तो बड़ी अच्छी लगे, रियल आ जाए तो और भी अच्छा है, बट चलिए कोई बात नहीं, आर्टिफिशियल लगाते हैं। और रेलिंग को डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये हैंगिंग आर्टिफिशियल यूज़ किया है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, मैं इसकी लिंक दे दूँगी आप लोग को। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा तरीका बताती हूँ मनी प्लांट की कटिंग को यूज़ करने का। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक उरली और उसके अंदर मैंने ये एक छोटा सा प्लास्टिक का कंटेनर लिया है और उसको अच्छे से स्टिक कर दिया है। जो हमारी कटिंग थी जो मैंने मनी प्लांट की निकाली थी स्टार्टिंग में, इन सारी कटिंग को मैं इस प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर सेंटर में लगा रही हूँ और इस पूरे उरली को मैं पानी से भर दूंगी। तो ये जो आपका मनी प्लांट है ना, पानी के अंदर बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा, 10 से 12 दिन बाद पूरे अच्छे से इसके अंदर रूट्स आ जाएंगे। और आप चाहें तो इसको एज इट इज़ रख सकती हैं, इसके अंदर ही उसको ग्रो होने दीजिए, ये पूरी उरली जो है ना मनी प्लांट से भर जाएगी। और अगर आप चाहें तो इन कटिंग्स को पानी में से निकाल कर किसी गमले में आप मिट्टी में लगा सकती हैं। तो हमारा मेकओवर डन हो गया है, आइए देखते हैं फाइनल लुक। आई होप कि आपको आज का बालकनी मेकओवर पसंद आया होगा और जो मैंने पॉट DIY किए थे वो भी आपको सुंदर लग रहे होंगे। इसके अलावा जो छोटे छोटे मैंने आपको टिप्स बताए हैं पौधों की केयर कैसे करें, उनकी ग्रोथ कैसे बढ़ाएं, वो सब भी आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा।
कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब टाइम है आप लोगों से विदा लेने का, मिलती हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए आर्टिस्टिक लाइफ विद पीहू प्रीति। बाय।